नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी RPF ALPO टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोफ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो श्वसन जो करता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती। नेक्स्ट है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तने की छाल से। नेक्स्ट है, फर्न जो पौधा होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा से। अगला है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो कैसे बनती है? ऑप्शन ए, मरुद्भिद से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, सबसे ज्यादा किस में तेज होता है? ऑप्शन सी, लाल प्रकाश में। अगला क्वेश्चन बनता है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तो कैसे लगाते हैं? ऑप्शन ए, तने के बने हुए बलयों को गिनकर। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्या चीज उपस्थित होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का जो रंग हरा होता है। ओके, अगला है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल जो होता है द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, जलरंध्र, या कह सकते हैं हाइडेथोड। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो किससे पाते हैं? ऑप्शन डी, भूमि से। अगला है, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है, प्याज का बदला हुआ रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तने का। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, तनों से। अगला है, आलू का बदला हुआ रूप है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन बनता है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट है, पर्ण हरित में पाया जाने वाला धातु है, तो
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है शैवाल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी लीची। अगला है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी। अगला है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन डी पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी देहरादून में। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ कैसे होती है? ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। अगला है, प्राकृतिक भरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? ऑप्शन डी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे होता है? केवल दिन में, ओके, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश निकलता है तो तभी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तभी होती है। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है? ऑप्शन सी चीड़ से। नेक्स्ट है, प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन बी सिकोया। अगला है, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो ऑप्शन सी साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कार्टिकल्स। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट वन जिसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला पार्ट पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं यस या नो का, तो मैं जल्दी ही अगला पार्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा।